भारत के चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज ये दिन हमें गौरव गर्व उपलब्धि विश्वास नई उम्मीद नई आशा और नए भारत के निर्माण की संकल्पना साकार करने में हमारे संकल्प का स्मरण करवाता है शताब्दियों से चली आ रही गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1855 में संताल क्रांति हुई जहाँ हमारे आदिवासी भाइयों ने अपनी मातृभूमि और आत्म सम्मान की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया अट्ठारह की क्रांति ने विदेशी हुक्मरानों को एहसास करा दिया कि ये देश अब जाग चुका है इसके बाद महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए त्याग तपस्या और बलिदान की एक ऐसी समृद्ध परंपरा स्थापित की है जो वर्ष उन्नीस में आज ही के दिन देश की आज़ादी के रूप में सुफलित हुई है आज के दिन मैं सभी वीर बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करता हूँ साथ ही हमारे अभे सैनिकों के प्रति भी कृतिज्ञा व्यक्त करता हूँ जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं आज़ादी के बाद भारत और भारतवासी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। उपलब्धियाँ प्राप्त की है तो असफलताएं भी देखी लेकिन हमने खुद के आगे बढ़ने रहने के क्रम को रुकने नहीं दिया उपलब्धियों को बड़ा बनाने में श्रम समर्पित किया तो असफलताओं से सीखते हुए खुद में सुधार भी लाए आर्थिक और सामाजिक विकास के सभी मापदंडों पर हमारा प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है देश आज पहले से कई अधिक सुरक्षित समृद्ध क्षमतावान व सशक्त है हमने अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां प्राप्त की तो सागर की गहराइयों में भी हमें सफलताएं मिली है हमने तकलीफ के क्षेत्र में उत्कृष्टता सिद्ध की तो सीमाओं की रक्षा में भी पहले से अधिक ताकतवर बने हैं यही कारण है कि वैश्विक पटल पर आज भारत एक विशिष्ट पहचान भी है और हमारे साथ वैश्विक सद्भावना भी है हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत आज दुनिया का सबसे विशाल और कार्यशील लोकतंत्र है जिसका आधार इस देश की 130 करोड़ से अधिक जनता है इन चौहत्तर वर्षों में हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली और संसदीय परंपराएं सुदृढ़ हुई है ये देश की जनता का संसदीय लोकतंत्र में विश्वास का प्रतीक है विश्व के सभी लोकतांत्रिक देश भारतीय लोकतंत्र की बड़ी आस्था और विश्वास के साथ न सिर्फ देखते हैं बल्कि हमसे बहुत कुछ सीखते भी हैं आज़ादी के बाद से आज तक की अवधि में भारत ने प्रत्येक विषमता के डट कर सामना किया है प्रत्येक परेशानी से जीवट के साथ संघर्ष किया है लेकिन पिछले कुछ समय में कोरोना वायरस के रूप में एक ऐसी चुनौती सामने आई है जिसने हमें भी और नए विश्व के प्रत्येक देश को भी अपनी सोच में बदलाव लाने की और अग्रसर किया है हालांकि यहाँ भी देश की जनता ने चुनौतियों में अवसर तलाशने की अपनी क्षमताओं को पुनः प्रतिष्ठित किया है कोरोना से पहले जहाँ देश में पीपी -पी किट और मास्क का निर्माण नहीं अथवा ना के बराबर था वहीं आज हम प्रतिदिन पाँच लाख पीपी किट और तीन लाख एन नाइन्टी फाइव मास्क बना रहे हैं कुल मिलाकर देश के लोगों ने ये सिद्ध किया है कि मुसीबत की घड़ी में पूरा देश एकजुट है और हर परिस्थिति का मिलकर सामना करने में सक्षम है इसके लिए मैं प्रत्येक देशवासियों को साधुवाद करता हूँ दोस्तों बहुत जल्द देश की आज़ादी के, के पिचहत्तर वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं हम सबके लिए ये बहुत गौरवपूर्ण क्षण होगा, लेकिन हमारी इस उपलब्धि को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आज हमें स्वयं से कुछ संकल्प करने होंगे और उन्हें सिद्ध करने के लिए प्रयत्न होना होगा दोस्तों हम संकल्प करें कि देश की एकता व अखंडता को अशुन्न बनाए रखें देश के सामाजिक सदाव और सामाजिक एकता को सशक्त करेंगे देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे देश के संसाधनों के सर्वोच्च जनहित में उपयोग को बढ़ावा देंगे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु स्थानीय उत्पाद के उपयोग पर बल देंगे लोकल के लिए वोकल बनकर स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे प्रगतिशील एवं विकासमुक्त भारत बनाने के लिए स्वयं को बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध रहेंगे हम समाज के असक्षम अभावग्रस्त वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता देंगे प्रकृति तथा वन्य जनजीवन की रक्षा करेंगे हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तथा उनका संरक्षण करेंगे दोस्तों और भी कई संकल्प है जिन्हें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए माँ भारती की सेवा में हम अपना योगदान दे सकते हैं वर्तमान परिस्थिति के चलते देश की स्वतंत्रता दिवस का यह पर्व अपने घरों में रहते हुए मना रहे हैं लेकिन उत्साह उमंग वही है मैं देशवासियों को आह्वान करता हूँ कि वे अपने अपने घर में ध्वजारोहण कर देश के प्रति सम्मान में अपने जज्बे और एक सशक्त और सर्वश्रेष्ठ भारत निर्माण में अपने संकल्प को प्रदर्शित करें इस सुअवसर पर मैं पुनः समस्त नागरिकों के स्वस्थ समृद्ध एवं सुखी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ जय हिंद